हेलो गाइस, तो आज मैं अपनी सारी पेंटिंग का व्यू दिखाना चाहता हूँ आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मेरी पहली पेंटिंग थी जो मैंने बड़े से साइज़ के चार्ट में बनाई थी, और क्रिसमस वाले दिन बनाई थी मैंने। देखिए गाइस कैसी है ये। गाइस ये मैंने मज़े मज़े के लिए बना दी थी सीधा गिटार की, और बहुत बढ़िया लग रही थी उस समय मेरे को ये। और ये मैंने ताजमहल की बनाई थी, पहले A4 साइज़ के पेपर पे बनाई थी मैंने, और ऊपर गणेश भगवान जी की बनाई थी ये। तो मैंने स्कूल के टाइम पे बना दी थी मैंने पेंटिंग्स, स्कूल के टाइम पे बनाई थी मैंने। कैसी लग रही है ये तो आप लोग जानते होंगे, विराट कोहली की। ये तो मैंने पेंटिंग बहुत सुंदर लग रही है पेंटिंग। ये मैंने पेंसिल से बनाई थी, सिंपल पेंसिल से। और ये मैंने कंपटीशन के लिए बनाई थी, मेरे स्कूल का कंपटीशन था उसके लिए बनाई थी। और ये मेरे भाई के कहने पे मैंने बनाई थी उसका स्केच, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सिंपल पेंसिल से बनाई थी और पेंसिल कलर यूज़ किया था ब्लैक, ब्लैक हेयर के लिए। और ये इसमें स्कूल कंपटीशन बनाई थी जिसमें फर्स्ट रैंक आया था। और ये अक्षय कुमार की सबसे पहली वीडियो थी मेरी यूट्यूब पर, ये मैंने बनाई थी। और ये भी मैंने क्रिसमस वाले दिन बनाई थी, और बहुत बढ़िया लग रही थी मेरे को उस टाइम पे भी, बहुत बढ़िया पेंटिंग थी। और ये भी आप लोग को पता ही होगा, ये भी बहुत अच्छी सी लग रही थी, कार्टून गर्ल कार्टून, बहुत अच्छी स्केच था ये, मैंने पेंसिल से बनाई थी ये सिंपल। और ये भी मेरे भाई ने बनाई थी ये, तो ये मैंने नहीं बनाई थी। काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये कोरोना हीरो की मैंने बनाई थी सिंपल पेंसिल से, मेरे आगे की जितनी भी होगी वो सारी सिंपल पेंसिल से बनाई। और ये आयरन मैन की मैंने वाटर कलर से बनाई थी, बहुत बढ़िया लुकिंग आ रही थी इसकी, बहुत अच्छा लगा था मेरे को। और ये ड्रैगन शॉप की भी मैंने पेंसिल से बनाई थी, सिंपल पेंसिल से, और मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ किया था। और ये मैंने वाटर कलर से बनाई थी उस समय मैं बहुत अच्छी लगती थी, पहली वाटर कलर पेंटिंग थी मेरी। और ये भी मैंने सभी कलर का यूज़ करके, और ये स्पाइडरमैन की भी मेरे को बहुत अच्छी लगी थी पेंटिंग, ये भी मैंने वाटर कलर से बनाई थी। और ये सारी वाटर कलर से मैंने बनाई है, देखिए गाइस कैसी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। और ये भी मैंने वाटर कलर का यूज़ किया था ये, इसको बनाने में काफ़ी अच्छी लग रही है ये भी। और ये गाइस आप लोग जानते होंगे, ये भी मैंने वाटर कलर से का यूज़ किया था इसमें, और बहुत बढ़िया बनाया था, तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है ये पेंटिंग गणेश भगवान जी की। और ये मेरे मम्मी की, और ये मेरे भाई ने बनाई थी कृष्णा जी की, जो बहुत अच्छी लग रही थी मेरे को। और ये सुशांत सर की, ये मैंने सिंपल पेंसिल से बनाई थी। मेरे को बहुत दुख हुआ था जब इनकी न्यूज़ आई थी मेरे को, और मैंने इनका बहुत टफ करके बहुत अच्छे से बनाया था। और ये भी मैंने सिंपल पेंसिल से बनाई थी उस करके, और रात को 1 बजे तक बनाई थी मैंने ठीक। और ये भी इसके हेयर में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था स्केच बनाने में, बाकी सब में तो मेरे को कम टाइम लगे थे, लेकिन हेयर में 1 घंटे लग गए थे मेरे को। और अमिताभ बच्चन सर की भी मेरे को बनाने में करीब लग गए थे, करीब 6 से 7 घंटे लगे थे इसको बनाने में, और हेयर में ज़्यादा टाइम लग गया था मेरे को। और ये भी मैंने सिंपल पेंसिल से बनाई थी, पहले की सभी मैंने पेंटिंग सिंपल पेंसिल से बनाई है। और ये टोनी स्टार्क की भी मैंने सिंपल पेंसिल से बनाई हुई है, देखिएगा इस कैसे कितना अच्छा लग रहा है। और ये अभी मैंने चारकोल पेंसिल का यूज़ किया, पहली बार चारकोल पेंसिल यूज़ किया था मैंने। और ये मेरे दोस्त की, भाई जैसे मेरा, ये भी मैंने सिंपल पेंसिल से बनाई थी। और ये शाहरुख खान सर की सिंपल पेंसिल से। तो गाइस कैसी लगी आपको सारी व्यू मेरी पेंटिंग्स के, और मेरी चाइल्डहुड पेंटिंग की, शुरू शुरू में बनाई थी मैं, स्कूल में बना लिया करता था, स्कूल में बैठे बैठे, देखे गाइस पेपर में, ये स्कूल की नोटबुक थी जिसके पीछे मैं बनाया करता था, स्कूल में बैठे बैठे बोर होते रहते थे तो बना लिया करता था मैं।
और उस समय मेरे को ये बहुत अच्छी लगती थी, ये सबको मैं दिखाया करता था। ये देखिए गाइस, ये सब मैंने स्कूल के टाइम पे बनाई है, बचपन के टाइम पे। ये देखिए गाइस, पुरानी पेंटिंग देखने में बहुत अच्छा लगता है और अच्छा लगता है, मज़ा आता है। ये तो मैंने स्कूल में रहते रहते बना दिया करता था और मैम को दिखाया करता था, उनको बहुत अच्छा लगता था ये। ये देखिए गाइस, ये मेरे पुराने स्केच हैं और ये मेरे सारे स्केच का व्यू जितने भी अभी तक मैंने बनाए हैं, और बहुत सारे तो मैंने अभी तक आपको दिखाए नहीं, वो फिर कभी किसी और वीडियो में। तो गाइस, आपको सारे पेंटिंग का व्यू कैसे लगा मेरे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरे सारे स्केच कैसे लगे। देखिए गाइस, तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।